भागवती गंगा परिवार के सभी सदस्यों को प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप भी घर बैठे भागवत कथा की जानकारी हासिल करना चाहते हैं या भागवत कथा सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, 7 दिन में कथा की पूरी तैयारी कैसे होती है जानना चाहते हैं, विध भजन विध श्लोक संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी हमारे वीडियो पर करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें और अपने कुछ सजेशन या सुझाव भी हमें दें कि हमें क्या बेहतर करना चाहिए। और मित्रों, इस चैनल से अधिक जुड़े, हमारे परिवार के सदस्य बने और अधिक लोगों तक भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि घर बैठे भागवती गंगा जो प्रभावित हो रही है इस चैनल के माध्यम से, उस भागवत जी का प्रचार प्रसार जन जन में हो सके। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मित्रों, भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम घर बैठे ही भागवत कथा की तैयारी आपको करवाएंगे, तो अभी हम प्रथम दिवस की भागवत पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे कल याद आया कि हमने आपको अभी मंगलाचरण नहीं बताया कि भागवत जी का जब हम शुभारंभ करेंगे तो उससे पूर्व में जब हम मंगलाचरण करेंगे तो उसमें कौन कौन से श्लोकों को बोलेंगे। तो आज हम मंगलाचरण को यहाँ पर बोलेंगे, आप सभी उसको श्रवण करें और सुन सुन करके ही इनको कहीं एक जगह कॉपी में नोट कर लें, और फिर जब भी आप भागवत कथा की पूर्ण तैयारी करेंगे, तो जब भी आप भागवत कथा प्रारंभ करेंगे तो आप इन्हीं श्लोकों को बोलकर मंगलाचरण के साथ में अपनी कथा का शुभारंभ करेंगे। मंगल आचरण है ना, तो जब हम कोई कार्य करें तो मंगल आचरण के साथ में करें, मंगलाचरण है ना, सब मंगल ही मंगल हो, इसलिए मंगल मंत्रों का गायन करेंगे हम कथा से पूर्व में, उसको हम मंगलाचरण कहते हैं। तो आइए, और हाँ, जिन श्लोकों को मैं मंगलाचरण में आपको आज बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सही से समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो मैं फिर इन श्लोकों को एक जगह एकत्रित करके आपको वीडियो में आपको उपस्थित करा दूंगा। और मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कथाएं होती हैं वो कैसी कथाएं होती हैं और किन किन जगह पर हमने कथा की हुई है, तो उनको आप श्रवण करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा एक चैनल है मुक्ति मार्ग यशवीर दीक्षित, जिस पर आपको बहुत सारे हमारी कथा के वीडियो मिल जाएंगे। और अदरवाइज आप YouTube पर कहीं भी परम पूज्य यशवीर जी महाराज के नाम से अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको हमारे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। और आपको ये सुनकर हर्ष भी होगा कि साधना TV, ईश्वर TV और दिव्य TV पर भी हमने अपने कथाओं का प्रसारण किया है। और हमारा जो खुद का चैनल है उसका मैं आपको लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जा कर के हमारी कथाओं को भी सुन सकते हैं जो मैंने की हुई हैं पूर्व में। तो आइए हम लोग मंगलाचरण करें। हरे ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आप श्लोकों को जिस भी राग में, जिस धुन में आपको अच्छा लगे, अगर आपको रागों की जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बोलें, राग दरबारी में बोलेंगे या फिर राग यमन में, राग भैरवी में, किस में आप बोलना चाहते हैं उसी में आप अपने श्लोकों को बोलेंगे सुंदर भाव के साथ मंगलाचरण में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का वंदन करें, तो ये तो श्लोक आप लोगों को याद होगा, जो कर्मकांड करते हैं वो भी बोलते हैं, विघ्नेश्वराय वरदाय शुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अगले क्रम में गुरु जी का ध्यान करें।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं। इसके बाद में फिर हम अग्रिम श्लोकों में सभी देवताओं की वंदना करेंगे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने राधा साध्यं साधनमयस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा शर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 वाच किं तस्य शेषं राधा राधा वाच किं तस्य शेषं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भूयो भूयो नमाम्यहं। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तभक्तिभगवन्तगुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत वेग्नयनेक मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ततो जय मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्
चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशरगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः शद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः श्रुश्रूषुभे तत्क्षणा निगमकल्पतरोरिगलितं फलं सुखमुखादि अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपिन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन में बास वृंदावन सो बन नहीं नंदगाव सो गाव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक चौदह भुवन सो तेरे आधीन सब द्वारन को छाण के आयो तेरे द्वार हे मेरे राधा रमण जू अब मेरी ओर निहार राधे मोरी माँ तू है पिता मोर घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम और सब प्यारे भक्तन को मेरा जय जय राधे श्याम बोली भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से मित्रों यहाँ तक इन श्लोकों को बोलकर आपको मंगलाचरण करना है और फिर व्यासपीठ से संबोधन करेंगे उसके बाद ही कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो संबोधन कैसे करेंगे? भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरणालय दीनबंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगीराज श्री भगवान बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मेरे परम आराध्य राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वार प्रणाम। गौ माता भारत माता 33 कोटि देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वार प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वार प्रणाम करते हुए श्री राम कथा श्रीमद्भागवत कथा श्री हरि चर्चा के परम रसिक श्रोता ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अनंत बलवंत श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में प्रार्थना उनसे आग्रह आकर के कथा प्रांगण में उपस्थित हों और बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा रूपी
रस का पान करें। स्थान देवता ग्राम देवता भी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, अपनी अपनी कृपा बरसाएं। पांडाल में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान श्री परीक्षित जी, उनके पुत्र, पुत्र वधू, समस्त परिवारी बंधुजन एवं जिनका चरित्र सती सीता अनसुईया के समान है, ऐसी पूज्य मातृशक्ति, यत्र और तत्र से चल करके पधारे हुए विद्वान श्रोतागण, नन्हे नन्हे बाल वृंद, उपस्थित मंचस्थ संगीतज्ञ बंधु, विप्रबंधु, संत भगवान एवं ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक इस कथा को श्रवण कर रहे समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी गंगा जो आपके ग्राम में कलकल करके बह रही है इस कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करें और गोता लगाएं। इससे पूर्व में हम अपनी वाणी को पवित्र करें, मन को पवित्र करें और शरीर को शुद्ध करें। जीवात्मा मन कर्म वचन तीन प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार से पाप करता है, इसलिए आइए शुद्ध हों और इसके बाद भगवान नाम संकीर्तन के उपरांत में कथा में प्रवेश करें। तो मित्रों, इस प्रकार आपको संबोधन करना है और फिर यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन और एक प्रार्थना हम जो नित्य अपनी कथा में गाते हैं वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि हम कथा से पूर्व में नित्य प्रति मंगलाचरण संबोधन के बाद एक प्रार्थना बढ़िया गाएं और फिर आपको हम संकीर्तन भी कुछ बता देंगे एक वीडियो में, जो नित्य प्रति आप सातों दिन चेंज करके उन संकीर्तनों को भी नित्य प्रति गाएं और नित्य प्रति प्रार्थना गाएं और फिर कथा को शुभारंभ करें। मित्रों, आशा है आपको मंगलाचरण के बारे में जानकारी आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और मित्रों, जो भी भागवत सीखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, भागवत जी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उन सभी तक आप इस चैनल को पहुँचाएँ और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, उतना ही यूट्यूब हमारे इस वीडियो को लाएगा सर्च में और अधिक लोगों तक पहुँचेगा हमारा ज्ञान, हमारी बातें, भागवत जी की चर्चा और लोग भागवत के बारे में घर बैठे जान सकेंगे। इसलिए वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।